दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में पुलिस वालों को तो ज़रूर से देखा होगा और उनके कंधे में कुछ इस तरह के स्टार्स, स्ट्रिप्स, नेशनल एम्ब्लम और क्रॉस जैसे लोगों को भी ज़रूर देखा होगा। और शायद से आप ये भी जानते होंगे कि इन्हीं स्टार्स, स्ट्रिप्स और एम्ब्लम से हमें पुलिस वालों की रैंक का पता चलता है, यानी कि इन लोगों से हमें पता चलता है कि आखिर एक पुलिसकर्मी किस रैंक का कर्मचारी है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि लोग इनके कंधे पर लोगों देखकर भी नहीं पहचान पाते हैं कि आखिर ये किस रैंक के कर्मचारी हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के अंदर कई रैंक्स होती हैं और अलग अलग रैंक के हिसाब से अलग अलग स्टार्स एंड लोगोज होते हैं। और इसके बारे में जाने बिना या पढ़े बिना कोई नहीं बता सकता इन रैंक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम भी कुछ इसी बारे में बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बता दूँ कि हाई रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको अपना पर्सनल व्हीकल भी मिलता है, तो उसके बारे में भी हम अपने आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं अबाउट ऑल रैंक्स इन अवर इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट एज वेल एज देयर व्हीकल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले और सबसे छोटी रैंक आती है कांस्टेबल की। कांस्टेबल के अंदर तीन रैंक होती हैं, पहला कांस्टेबल, दूसरा सीनियर कांस्टेबल और तीसरा हेड कांस्टेबल। और अब अगर बात करें कांस्टेबल की तो ये सबसे छोटी रैंक होती है और इसमें पुलिस वालों के कंधे पर कोई स्टार, कोई स्ट्रिप नहीं होती है, प्लेन होता है इनका शोल्डर। और इसके बाद आती है सीनियर कांस्टेबल की रैंक। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि कुछ रैंक्स में जो महाराष्ट्र की पुलिस होती है उसकी ड्रेस में थोड़ा सा अंतर होता है बाकी और स्टेट की पुलिस की ड्रेस के मुकाबले। अब जैसे सीनियर कांस्टेबल के अंदर अगर सीनियर कांस्टेबल महाराष्ट्र का होगा तो उसके शोल्डर में दो स्ट्रिप्स लगी रहेंगी, ऐसी जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। और वहीं अगर किसी और स्टेट की पुलिस होगी, मतलब किसी और स्टेट का सीनियर कांस्टेबल होगा, तो उसके आर्म में ये दो वी जैसे शेप के बने रहेंगे, यानी कि अदर स्टेट की जो पुलिस में सीनियर कांस्टेबल होगा तो उसके जो आर्म में दो वी शेप की स्ट्रिप्स रहेंगी। और अब आती है हेड कांस्टेबल की रैंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी अगर महाराष्ट्र के अंदर हेड कांस्टेबल होगा कोई तो उसके शोल्डर पर तीन स्ट्रिप्स रहेंगी। और वहीं अगर कोई और स्टेट का हेड कांस्टेबल होगा तो उसके आर्म्स पर तीन स्ट्रिप्स रहेंगी वी शेप की, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। और अब अगर बात की जाए कैप्स की, तो यहाँ पर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तीनों में ही अगर महाराष्ट्र के होंगे ये तीनों में से कोई, तो उनकी कैप एक स्पेशल टाइप की कैप होगी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अदर स्टेट में जो होंगे सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, तो उनकी नॉर्मल गोल्ड टोपी होगी। अब फ्रेंड्स, हेड कांस्टेबल के बाद यहाँ पर रैंक आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि ASI की। अब इस रैंक के अंदर सभी पुलिस वालों की शोल्डर पर एक स्टार होगा, रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स होंगी और स्टेट का नेम होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी ASI की रैंक। और इसके बाद आती है सब इंस्पेक्टर यानी कि SI की रैंक। सो फ्रेंड्स, SI की रैंक के अंदर सभी पुलिस वालों के शोल्डर पर टू स्टार्स होंगे इस बार, और वही रेड और ब्लू स्ट्रिप होगी और स्टेट का नाम होगा। बस फर्क यहाँ पर एक स्टार और बढ़ जाएगा। और इसके बाद आता है असिस्टेंट इंस्पेक्टर। अब फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है ये केवल महाराष्ट्र पुलिस के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, मतलब कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर और किसी और भी स्टेट में नहीं होगा, आपको केवल महाराष्ट्र पुलिस के अंदर ही मिलेगा। और इसकी पहचान, इनका जो शोल्डर है उस पर थ्री स्टार्स होंगे, रेड स्ट्रिप होगी और स्टेट का नाम होगा। और जैसा कि मैंने बताया, केवल महाराष्ट्र पुलिस के अंदर ही ये पोस्ट आपको मिलेगी और अदर स्टेट में SI के बाद डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन जाते हैं लोग, बट महाराष्ट्र में SI के बाद यानी सब इंस्पेक्टर के बाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। और अब अगर अगली रैंक की बात करें तो आती है इंस्पेक्टर की रैंक। और बात की जाए इनकी पहचान की, तो इनके शोल्डर पर थ्री स्टार्स होंगे,
रेड ब्लू स्ट्रिप होगी और स्टेट का नाम होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में एक पुलिस स्टेशन के अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक एसआई और एक इंस्पेक्टर होता है। और अगली रैंक आती है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी की। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डीएसपी की जो पहचान होती है वो होती है उनके शोल्डर पर 3 स्टार्स होते हैं केवल, और बाकी कोई स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, ओनली 3 स्टार्स होते हैं। उसके साथ स्टेट का नेम होता है। और इसके साथ ही एक और पोस्ट होती है ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। फ्रेंड्स यहाँ पर ACP जो होता है वो DSP के बराबर ही होता है, बस फर्क बस इतना ही होता है इसमें कि जो ACP होता है वो मेट्रो सिटीज़ के लिए होता है, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और अदर सिटीज़ के लिए जो होते हैं वो हमारे DSP होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ, यानी कि डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP दोनों ही बराबर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस एक डिफरेंस होता है जो कि मैंने आपको बताया, बाकी पावर वगैरह सब सेम होती है इनकी। अब फ्रेंड्स इसके बाद रैंक आती है ASP यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ACP नहीं बोल रहा हूँ जो कि अभी हमने पढ़ा है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ASP के बारे में, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक ASP होता है यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो एक IPS रैंक का अधिकारी होता है, मतलब कि यहाँ से आपको IPS रैंक के अधिकारी मिलने चालू हो जाते हैं इस रैंक के बाद से। तो हम लोग बात कर रहे थे ASP के बारे में, मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो फ्रेंड्स जब एक IPS अधिकारी अपने ट्रेनिंग के दौरान में फर्स्ट ईयर में होता है तो उसके शोल्डर पर 1 स्टार प्लस IPS होता है, और वहीं अगर अपनी ट्रेनिंग के दौरान सेकेंड ईयर में होता है तो उसके शोल्डर पर 2 स्टार्स प्लस IPS होता है, और वहीं अगर थर्ड ईयर में होता है तो 3 स्टार्स प्लस IPS का लोगो होता है। और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 3 साल की, वैसे ही उसको एक नई रैंक मिल जाती है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है और ट्रेनिंग के जस्ट बाद ही एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाता है। और अब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो पहचान होती है उसमें क्या होता है, एक अशोक एम्बलम मिल जाता है और IPS का लोगो रहता है, यानी कि उनके शोल्डर पर एक IPS का लोगो होगा और एक अशोक एम्बलम जो है हमारा उसका लोगो होगा। अब इसके बाद में जो रैंक आती है उसकी बात अगर की जाए तो इसके बाद की रैंक है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की यानी कि SP की। अब फ्रेंड्स SP तो आपने कई बार सुना होगा SP रैंक के बारे में, तो इनकी पहचान क्या होती है कि इनके शोल्डर में एक अशोक चिन्ह यानी कि जो हमारा अशोक एम्बलम है वो होता है, और उसके साथ ही 1 स्टार लग जाता है प्लस IPS का लोगो रहता है, यानी कि एडिशनल SP के मुकाबले यहाँ पर 1 स्टार और बढ़ जाता है बस। और फ्रेंड्स इसके बाद जो रैंक आती है उसका नाम है SSP यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये जो है SP से भी बड़ा रैंक होता है। और फ्रेंड्स इनकी पहचान क्या होती है, इनके शोल्डर में अशोक एम्बलम रहता है प्लस 2 स्टार आ जाते हैं अब, और इसके साथ ही IPS का लोगो रहता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर SSP की रैंक के अंदर भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि यही जो सेम रैंक है अगर मेट्रो सिटीज़ का वो अधिकारी होगा तो वो DCP कहलाएगा यानी कि डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कहलाएगा, और वहीं अगर अदर सिटीज़ का होगा तो वो नॉर्मल SSP मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाएगा। पावर यहाँ पर फिर दोनों की सेम होती हैं SSP की और DCP की, बस फ़र्क यही है कि जो मैंने आपको बताया अभी, मेट्रो सिटीज़ के लिए DCP हो जाता है और नॉर्मल सिटीज़ के लिए ये SSP हो जाता है अपना। और फ्रेंड्स इसके बाद की जो रैंक है वो है DIG यानी डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक चेंज होता है कि जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि कुछ ऑफिसर्स को अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल मिलती है जो हाई पोस्ट में होते हैं, तो यहाँ से ऑफिसर्स को खुद की पर्सनल व्हीकल मिलनी स्टार्ट हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और बात करें अगर इनकी पहचान की तो इनके शोल्डर पर अशोक एम्बलम और यहाँ पर 3 स्टार्स हो जाते हैं और एक IPS का लोगो होता है, और इसके साथ ही
अगर बात करें इनके व्हीकल की, तो इनके व्हीकल में एक स्टार और फ्लैग होता है ट्रायंगुलर शेप का, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे से IPS रैंक स्टार्ट होती है, वहीं से शोल्डर पर स्टेट का नाम जो लिखा होता है वो हट जाता है। उसके पहले की जितनी रैंक्स हैं उसमें होता है स्टेट का नाम, और उसके बाद की जो रैंक हैं, मतलब कि जो IPS रैंक्स हैं, उसमें स्टेट का नाम हट जाता है। और अब अगर बात करें डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DIG के ऊपर की रैंक, तो आती है यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि IG की रैंक। अब अगर बात की जाए इनकी पहचान की, तो इनके शोल्डर पे एक स्टार होता है और यहाँ पर एक क्रॉस आ जाता है जो कि एक सॉल्ड यानी तलवार और एक स्टिक से मिलकर बना रहता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ ही IPS का लोगो रहता है, यानी कि यहाँ से जो अशोक का एम्बलम है वो हट जाता है। और अगर बात की जाए इनके व्हीकल की, तो इनके व्हीकल में इस बार 2 स्टार लग जाते हैं और जो फ्लैग होता है वो बाई कलर यानी कि 2 कलर का हो जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसके बाद की जो रैंक होती है वो होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि एडिशनल DGP की। और अगर बात की जाए इनके पहचान की, तो यहाँ पर फिर से एक अशोक एम्बलम आ जाता है इनके शोल्डर पर, उसके साथ ही एक क्रॉस रहता है सॉर्ड और स्टिक का, उसके साथ ही IPS का लोगो रहता है। ये 3 चीज़ें रहती हैं। और बात की जाए अगर इनके व्हीकल की, तो इनके व्हीकल में 3 स्टार्स हो जाते हैं और यहाँ पर बाई कलर रेक्टेंगुलर फ्लैग हो जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2 कलर का ये रेक्टेंगुलर फ्लैग रहता है। और अब अगर बात की जाए इससे ऊपर की रैंक की, तो यहाँ पर आती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP। अब फ्रेंड्स, वैसे तो DGP और एडिशनल DGP की रैंक एकदम सेम होती है, मतलब अप्रॉक्स मैं कहूँगा यहाँ पर सेम होती है, कुछ बस पावर्स का डिफरेंस होता है, बाकी व्हीकल और जो अशोक क्रॉस और IPS ये चीज़ सेम रहती हैं, बस थोड़ा सा पावर ज़्यादा होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास। और फ्रेंड्स, यहीं से जो ये एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रैंक होती है यानी कि DGP की रैंक होती है, वो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है, यहाँ से रैंक सिस्टम जो है पुलिस का ख़त्म हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो DGP की रैंक होती है वो अपने आप में 3 स्टार रैंक होती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, और इसमें मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो हमारी इंडिया का जो रैंक सिस्टम है वो। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।